हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, प्राणारो सोयो दुख जागो, हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो। लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में मेरा रो खून बहावण में, जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी नेणा में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चे तकड़ो सूती सी रूख जगा जावे, पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कुंवर ने रोटी ने, आज बिलख तो देखूं जद राज कुंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू भूलू हिंदवाणी छोटी ने, भूलू हिंदवाणी छोटी। सभी लोग सुनिएगा, जो सुनने के मूड में इस बात को बहुत गहराई से समझते, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गा रहा हूं, जो कुछ और सुनना चाहते हैं उनके लिए मुझे माफ करना। महला में छप्पन भोग जका मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़ा नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी, ए हाय जका करता पगला फुलारी कमली से जा पर, वे आज रुले भूखा फिर सा हिंदवाणे सूरज दाता पर, आ सोच हुई तो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोया मैं लिख स्यों अकबर ने पाती, महाराणा प्रताप का हृदय पिघल गया। पर एक बार फिर मन में एक विचार आया कि मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा काम जिसके लिए लाखों मेवाड़ के वीर शहीद सपूत हो गए, मां ने अपने बेटों को खो दिया, हजारों नारियां विधवा का दामन थामने की, विधवापन का दामन थामने की कगार पे खड़ी हो गई, और हजारों वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने पति के साथ में जौहर की लपटों में अपने स्वयं के शरीर को अपने तन को होम दिया, मैं उनको जवाब क्या दूंगा। डॉक्टर कन्यालाल सेठिया ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, आप सुनिएगा। पण लिखूं कैया जद देखे है, पण लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही ओ लिया चित तोड़ खड़ो है मगरा, मैं छुकू किया है आन मने कुड़िया के शरिया पानारी, मैं पूछू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी,
पण फेर अमर दी सुन बुस क्या राणा रो ही बड़ो भर आयो पर फेर अमर दी सुन बुस क्या राणा रो ही बड़ो भर आयो मैं मानो हूँ दिल्ली शतने सम्राट संदेशो भिजवायो। मित्रों इतिहास के उस प्रश्न से आपको अवगत करवाना चाहता हूं जब एक बार अपने पुत्र को बिलखता देख महाराणा की वो जो 56 इंच का जो चौड़ा सीना था वो हिमालय जैसे पिघल गया और उन्होंने एक अकबर को पत्र लिख भी दिया। अकबर के पास जब वो पत्र पहुंचा तो अकबर अपनी खुशी में फूला ना समाया, लेकिन उस पत्र की सच्चाई जानने के लिए महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े भक्त थे जो यहां के नहीं थे और जो मोटे मारवाड़ी यानी शेखावटी यानी बीकानेर जिले के, बीकानेर के उनका नाम था पृथ्वीराज सिंह। अकबर को पता था कि ये महाराणा का बहुत बड़ा भक्त है और मैं थोड़े जले पे और थोड़ा नमक थोड़ा सा थोड़ी मिर्ची और लगा दूं और उन्होंने पृथ्वीराज सिंह को अपने दरबार में बुलाया और पृथ्वीराज सिंह को महाराणा प्रताप की वो जो मोहर लगी वो जो सेलानी थी मेवाड़ राजवंश की उसको दिखाते हुए वो पत्र दिखाया कि मैंने सुना है कि ये चमकता दमकता सूर्य अब बादलों में खो जाएगा। मैंने सुना है कि रजपूती अब विधवा हो जाएगी। जब पृथ्वीराज ने वो पत्र पढ़ा तो पृथ्वीराज के पैरों से नीचे से धरती निकल गई, लेकिन बीवीर बाकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो तुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो वो छात्र धर्म दो नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो। और महाराणा प्रताप के भक्त पृथ्वीराज सिंह को जब अकबर ने कहा कि तू चलू भर पानी में डूब जा मर जा क्या बोले मर डूब चलू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो पण टूट गयो वीराने को तू भाट बना पिड़ दावे हो मैं आज पातशाह धरती को मेवाड़ी पाग पगा में है अब पता मने किन रजवट रे रजपूती खून रगा में। मित्रों इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यदि कहीं न कहीं किसी के भी शरीर का एक भी रोंगटा यदि वो खड़ा हुआ है तो ये डॉक्टर कन्यालाल सेठिया की अमर पंक्तियां हैं जो उन्होंने बहुत बरसों पहले लिख दी थी। पृथ्वीराज सिंह ने एक बार फिर संभल के कहा कि जापना एक मिनट के लिए मैं माफी चाहता हूं, एक पल यदि मुझे समय दे तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं।